हेलो दोस्तों, तो आज आपको पता चल गया हाँ एग्ज़ाम चल रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करीब अब लेने वाले हैं। और किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा भी जो भी है सभी पोर्शन से, चारों सेक्शन से किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी की अपडेट आपको मिलने वाले हैं। अभी कैंडिडेट से लाइव बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस तरह का लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का, और आगे भी अपडेट अपने चैनल पर मिलती रहेगी। इसका एनालिसिस अपने चैनल पर मिलेगा और आगे भी जितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा सभी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जैसी नई अपडेट आए ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, सवाल क्या जानता क्या जवाब दे रही है? नाम बता छोटे बताए और नाम। हेलो बताइए, अपना नाम बताइए। एग्जाम दिलाना है, मम्मी का एग्जाम दिलाना है। हाँ, मम्मी के एग्जाम देना है। छोटे बच्चा एग्जाम दिलाना है, एक ही हो रहा है। हाँ, इनका नाम आदरित है, आदरित है। एग्जाम दे जाऊंगे भाई। हाँ, तो फिलहाल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है भाई, और जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे बात करें किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, और सीटेट वाले बात कर रहे हैं। यार इतना ज़्यादा टाइम लग गया, दूर खड़े हैं, जगह चेंज, रास्ता चेंज करिए। बताओगे सर एग्ज़ाम के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। पीछे हो जाओ भाई थोड़ा। क्या सर रहा सर एग्ज़ाम? बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा। कितने टोटल हाथी के बारे में पूछा हुआ था और आपका बस यही, और क्या था, पक्षियों के बारे में भी था। सी टी पी कैसे आ रही है? सी टी पी बहुत बढ़िया थी, सी टी पी सबसे बढ़िया थी। हाँ सबसे बढ़िया। सी टी पी का ऑनलाइन कहाँ से पढ़ा था? सचिन सर के पास। सचिन है सर। उनका टोटल मटेरियल बहुत वो हुआ है, मतलब उसमें बेनिफिट रहा उसका। हाँ बहुत बेनिफिट रहा सचिन सर का। हाँ मैथ के बारे में बताओ। मैथ ठीक थे, तीन चार क्वेश्चन फंसाने वाले थे, थोड़ा मॉडरेट टाइप से थे, बाकी सब मैथ ठीक था, इजी था। हाँ तीन चार थोड़ा थे फंसाने वाले, बाकी इजी थे। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन बताओ ईवीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा कोई एग्जांपल थोड़ा सा। बस वही प्रीवियस ईयर से ही था, प्रीवियस ईयर से ज्यादा आ रहे। हाँ और कुछ था नहीं, एक निपुण के बारे में पूछा हुआ था तो वो संस्कृत में पूछा हुआ था। संस्कृत पूछा? हाँ वो इस बार आज के दिन में वो संस्कृत में पूछा हुआ था निपुण के बारे में। हाँ और बाकी लैंग्वेज के बारे में बताओ। लैंग्वेज ठीक था, हिंदी तो बहुत बढ़िया थी। हाँ संस्कृत में थोड़ा, संस्कृत है? हाँ मेरी संस्कृत थी, लेकिन उतना बहुत ऑप्शन देख देख के जैसे तैसे किए, उससे अच्छा रहता इंग्लिश ही ले लेती। अच्छा। क्योंकि ओवरऑल मतलब कुछ समझ में तो आता, वर्ड का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे तैसे ऑप्शन को देख करके वो किए हम। लैंग्वेज चूज करने में थोड़ी दिक्कत हो गया? हाँ थोड़ा सा उसमें हमको प्रॉब्लम हो गया, दैट टाइम हमको समझ में नहीं आया। लड़का बोला सब कि उसमें अच्छा वो होगा, स्कोर होगा, लेकिन दैट टाइम हमको समझ में नहीं आया, हमको इंग्लिश ही लेना चाहिए था। ऑल ओवर आपको कितने स्कोर की उम्मीद है? 110 अबव ही रहेगा मेरा। 110 के? हाँ 110 के अबव ही रहेगा। ओके थैंक यू। मैं बताऊँ सर कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा, बढ़िया रहा एग्जाम, पिछली बार से अच्छा था। ईवीएस के बारे में बताओ थोड़ा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? किससे? ईवीएस के क्वेश्चन। ईवीएस नॉर्मल है, जो पढ़ेगा वो तीन चार पेज बताया जो सचिन सर के, उसे पढ़ेगा अच्छा रहेगा। पिछली बार सचिन सर का ज़्यादा है, सचिन सर से बढ़िया पढ़ेगा, बढ़िया मैराथन जो 7 क्लास है उससे पढ़ लेगा, हो जाएगा। पिछली बार 122 नंबर थे हमारे। सचिन सर की क्लासेज का बहुत बेनिफिट मिला। सचिन सर से जो पढ़ रहा है वो बच्चा फेल नहीं होगा। क्या बात है, सचिन सर वाले भाई चाह रहे हैं सब। ये बहुत एग्जाम अच्छे चल रहे हैं। सचिन सर से पढ़ा था तो 122 नंबर हैं, इस बार उससे अच्छा ही रहेगा एग्जाम। अब की बार कितने की उम्मीद है आपने? मैं पूरा किया हूँ, पिछली बार भी पूरा करते 122 सही थे, इस बार देखते हैं 130 या 135 के टारगेट रहेगा। 130 135। हाँ 135 स्कोर है, हर बार देते रहते हैं, जब तक सुपर टेट नहीं आता तब तक देना ही कुछ ना कुछ। अभी सेकंड एग्जाम भी है। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन बताओ जो ईवीएस के जो क्वेश्चन आए ना उसका थोड़ा सा किस तरह का? आप जो सचिन से मैराथन देख लेना, पूरे 30 में 28 बोल के जाऊंगा। ईवीएस की देख ले, मेरा कोई देख ले, या ये पैराडोलॉजी देख ले, सारा वहीं से मिलेगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। एक ही क्लास पढ़े सचिन मैराथन, ओनली 7 क्लास है, 130 प्लस मिलेगा। पिछली बार से अच्छा ही रहा इस बार भी। थैंक यू सर। सचिन सर मैम मिलियन से बात करेंगे, मैम कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा, मस्ट बेटर सीडीपी। सीडीपी के बारे में बताओ थोड़ा। मस्ट बेटर सीडीपी, बच्चों के बाल विकास के बारे में थोड़ा, और काफ़ी सारी चीज़ें थी बच्चों से रिलेटेड ही थी, जो कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा प्रोग्रेस। ईवीएस में भी बच्चों के पक्षियों के बारे में, जैसे ईवीएस की रचना के बारे में, और काफ़ी सारी प्रोग्रेसिव चीज़ें, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्यावरण का अध्ययन वगैरह, बस नॉर्मल सी चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं। ऑनलाइन कहाँ से पढ़ा था आपने? मैंने ऑलरेडी करियर भी लैब से करा। करियर विल से सीटेट के लिए? हाँ जी। मतलब ये कौन सा पोर्शन पढ़ा था आपने, पूरा बैच ले रखा था या फिर अलग? नहीं नहीं
मैंने बैच लिए रखा था, बैच से किया। आपको मदद मिली उससे ज़्यादा? हाँ, उसमें वो CDP का पूरा उसी से था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, CDP का पूरा था। मतलब अच्छा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अगर नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले आने वाले दिनों में तो उनको बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, CDP का अच्छे से वो मैम अच्छे से कराती हैं, तो वो करियर में वेब का अच्छा सा। लैंग्वेज के बारे में बताओ थोड़ा सा। लैंग्वेज में मैंने तो संस्कृत से क्या रखा था, संस्कृत भी आया था, और लैंग्वेज में नॉर्मली था, ऐसा था कि जितना क्रिएटिव में मैंने लिया था, मैंने CDP की क्लास अटेंड की थी, लैंग्वेज की क्लास उससे नहीं अटेंड की थी, तो CDP का पूरा प्रॉपर। सेकंड लैंग्वेज क्या थी आपकी? सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। संस्कृत और हिंदी? हाँ, संस्कृत और हिंदी। हिंदी का कैसा रहा है? हिंदी में भी नॉर्मली उन्होंने दे रखे थे गद्यांश और पद्यांश, उसी के क्वेश्चन बेसिकली थे, उसी को थ्रो आउट करने के लिए। मैथ का अच्छा अच्छा मैथ में कितने हो जाएंगे आपके? आप ये आउट ऑफ तो नहीं बता सकती ना, आप जैसे रिजल्ट के अकॉर्डिंग करो। वैसे ओल ओवर आपको कितने स्कोर की उम्मीद है कि इतना स्कोर बन सकता है? हाँ, 30 में से अप्रोक्स 25 तक तो कंफर्म। 125। हाँ।